गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के हमारे दिन की शुरुआत हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो गए अभी। और हम लोग आज निकलेंगे जम्मू से और हम जाएंगे श्रीनगर। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन है श्रीनगर। वहाँ पे हम लोग 2-3 दिन आराम से रहेंगे। आज थोड़ा सा पंगा हो गया है बिकॉज़ हम लोग ने एक प्रॉपर्टी एयरबीएनबी के थ्रू बुक की थी और उसको उसने मैसेज किया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज हम लोग अभी निकल तो रहे हैं श्रीनगर के लिए, लेकिन पता नहीं कि हम लोग को रहना कहाँ है बिकॉज़ हमने सिम विजेंद्र का कन्वर्ट किया था पोस्ट पेड में, वो हुआ नहीं है। और मतलब हमने ऐप के थ्रू किया था डायरेक्टली, आई थिंक जियो के आपको सेंटर में जाके पोस्ट पेड कन्वर्ट करवाना पड़ता है, लेकिन हमने ऐप के थ्रू किया था तो वो कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द वे कहीं पे अगर हम लोगों सिम कार्ड का दुकान मिला तो हम लोग प्रीपेड सिम ले लेंगे या फिर क्या करना है पता नहीं, बिकॉज हम लोग का वाईफाई भी नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग मैप डाल के निकल तो रहे हैं, बाद में देखेंगे ऑन द वे जो भी होगा आपको बताएंगे। तो बस अभी ये देखो मस्ती कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी अच्छी थी, मतलब नाइट ओवर के लिए अच्छी है। मार्केट एरिया के एकदम पास में है ये, इसका USP है। गाड़ी खड़ी करने में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज़ यहाँ पे जो गलियाँ है वो बहुत छोटी छोटी है और अपनी तो मतलब बीस्ट कितनी बड़ी है आपको पता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। और नीट क्लीन प्रॉपर्टी थी, नाइट ओवर के लिए अच्छा है। सर्विस अपार्टमेंट टाइप है, तो ये जैसे बेड है, कबर्ड वगैरह है और सिटिंग एरिया है। यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको दिया जाता है। AC बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो बढ़िया है। और इसके बाजू में ही, मतलब बाजू में और रूम है और निकलते ही आपको किचन एरिया भी मिलता है, तो आपका मतलब कटलरी और RO वाटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। तो नाइट ओवर के लिए अच्छा था, सर्विस अपार्टमेंट ठीक है। हम लोग अभी निकलते हैं फटाफट, बैग वैग सब पैक हो गई है अपनी। तो बोलते हैं ना कि जैसे जो होता है सब एक साथ आता है, मतलब चाहे वो अच्छी चीज़ें हो बुरी चीज़ें हो। तो आज सुबह मतलब हम लोग का वो बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ था, तो लेकिन एक अच्छा हो गया कि Airbnb के थ्रू हमने वो कैंसिल कर दिया। अभी हमने दूसरी जगह बुक किया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर अब हमारा पेट्रोल एकदम एम्प्टी हो गया, वो टू टू आवाज़ करने लगा। एक पेट्रोल पंप पे गए, वो बोल रहा था कि बंद है वहाँ पे, मतलब पेट्रोल पंप पेट्रोल था नहीं। तो फिर अभी घूम के थैंकफुली हम लोग को ये HP का पेट्रोल पंप दिखाई दिया, तो अभी पेट्रोल भरवा रहे। तो सब चीज़ें एक साथ ही आती है देखो, मतलब हम लोग का रहना वो सही नहीं था, Airbnb का कंफर्मेशन नहीं आया था और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। सब हो गया, होपफुली अभी सब सही हो जाएगा। और अभी हम लोग निकले, 5.5 घंटे की जर्नी दिखा रहा है। किलोमीटर में आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कितना है। तो जम्मू से निकल रहे हैं, आज पहुँचेंगे कश्मीर। चलिए आज के दिन की अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाय फ्रेंड्स, हम है टीम चिकेश एडवेंचर्स और इस बार हम अपनी सवारी लेके चले हैं लद्दाख। तो क्या आप तैयार है एक मज़ेदार और एडवेंचरस सीरीज देखने के लिए? इस सीरीज में आपको देखने मिलेगा ढेर सारा एडवेंचर, मस्ती और खूब सुंदर नज़ारे, जैसे लद्दाख के हाई पासेस, स्काई टचिंग माउंटेन्स और थ्रिलिंग ऑफ रोड ट्रेल्स। लद्दाख रोड ट्रिप तो सबका सपना होता है और हमने अपना ये ड्रीम पूरा किया अपने 2 डॉग्स चीका और ऐश के साथ, इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है चिकेश चले लद्दाख। तो चलिए रेडी हो जाइए एक फुल एडवेंचर ट्रिप के लिए। अगर आपको हमारे डॉग्स के साथ ये एडवेंचर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में शेयर करें। ये देखो कितना ज़्यादा फॉग है, अभी ये सूरज देवता भी दर्शन नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे काम भी चल रहा है, शायद इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। ऐसे ही धूल मिट्टी उड़ रही है, फॉग भी है, सब मिक्स हो गया है। ऐसे लग रहा है हम लोग विंटर मॉर्निंग कहीं जा रहे हैं।
अभी हम लोग NH44 को कनेक्ट कर गए हैं और हम लोग को ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर जाना है। हाईवे तो अच्छा खासा है, मतलब रोड अभी अच्छे बने हैं। हालांकि जम्मू में जो यहाँ पे कनेक्ट करने तक और जम्मू कल रात को मतलब शाम को जब हम आए, वो वाला जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था। और स्पेशली हम लोग रात को ही पहुँचे थे तो नाइट ड्राइविंग एनीवे हम लोग को पसंद नहीं है और बहुत दिक्कत हुई हम लोग को, बट ठीक है। कैसे कैसे हम लोग पहुँच गए और स्टे अच्छा था, खाना हम लोग को वहाँ चाप हाउस में अच्छा मिल गया। स्टे मतलब नाइट ओवर के हिसाब से अच्छा था, बाकी तो ठीक ठाक है। अगर नाइट ओवर के लिए आपको चाहिए तो मैं एनीवे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अभी हम चल रहे कश्मीर, बीच में थोड़ा सा फॉग लगा, अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सामने फॉग है, लेकिन बहुत दूर है और ऊपर की साइड है तो विजिबिलिटी ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। तो अभी देखते हैं कि जो हमने जहाँ पे पेट्रोल भरवाया उन्होंने हमें बताया कि श्रीनगर वाला हाईवे बहुत अच्छा है, तो अभी देखते हैं कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। कश्मीर की हसीन सुंदर वादियों में आज होगी हमारी एंट्री। ये देखो चीका है, इसके दोस्त बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आज देख रही है मंकी कुटे मंकी मंकी कुटे चीका देख रही है कैसे, चीका तुम्हारा दोस्त देखो, फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स दिखेंगे अभी। तो ये हम लोग को ऑन द वे हवेली करके दिखाई दिया, बरिस्ता दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि कॉफी फटाफट पिक कर लेते हैं और ऑन द गो हम लोग कॉफ़ी लेते हैं, बिकॉज आगे पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चीका है इसको यहाँ रखा है अभी, और अभी कॉफ़ी अपनी पिक कर लेते हैं। यहाँ पे वाईफाई है तो सोचा कि मस्त चेक कर लेते हैं एक बार अपना सब कुछ, बुकिंग वुकिंग सब। बरिस्ता की, और जो हम लोग घर से हमारी मम्मी ने मतलब विजेंद्र की मम्मी ने मठरी बना के दी थी तो वो हमने खाई, और अभी चीका हैश को सोचा कि कुछ ट्रीट्स दिया जाए, तो ये मैंने छोटे से डिब्बे में ट्रीट्स सामने निकाल के रखी है ताकि इनको इजीली एक्सेस रहे, मतलब मुझे इजीली एक्सेस रहे और हर बार पीछे से निकालना ना पड़े। तो ये जैसे ही डिब्बा निकलता है ना, अभी आयश को पता चला है ये डिब्बा मतलब ट्रीट, तो उसके सब कान वान खड़े हो जाते हैं। ये देखो कैसे देख रही है, चिट्टू भी आ गई। खाते पीते जाना चाहिए है कि नहीं, तो मजा है उनका भी खाना पीना मस्त। अभी हम लोग को वो जगह भी अच्छी मिल गई, इन लोग को हमने घुमाया, थोड़ा ऑफ लीज छोड़ा, इनका सुसुपट्टी हो गया, पानी दे दिया, ये तो मेन काम रहता है ना दिन के खाना दो पानी दो सुसु करवाओ पट्टी करवाओ। और इनके हिसाब से जगह ढूंढो, ब्रेक्स की जगह भी इनके हिसाब से ढूंढो, रहने की जगह भी इनके हिसाब से ढूंढो,
भाई इनकी ट्रिप है। किसी एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि आप लोग फ्लाइट से क्यों नहीं जाते, वो ज़्यादा इजी है ना, आप एक दिन में पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। तो भाई फ्लाइट से जाएंगे तो इनको कैसे लेके जाएंगे, है कि नहीं? और ट्रिप क्या है, इनको लेके जाने की ट्रिप है। इट इज़ चिक एश एडवेंचर्स एंड नॉट गौरी एंड विजेंद्र एडवेंचर्स, तो इसीलिए इनको लेके जाना है। तो आराम से हम लोग 3-4 दिन में जितने दिन लगे जैसे लगे उनके कंफर्ट के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रिप एंजॉयबल होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं अभी, और इतने ऊंचे हैं, बाप रे, ऐसे लग रहा है ना कि मतलब स्काई टचिंग माउंटेन्स। ये देखो जूम करके दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट वो जो पीछे एकदम पीछे वाला पहाड़ है वो तो बादल टच ही कर रहा है, बहुत ऊंचे पहाड़ है। जाम, और हम लोग अभी उधमपुर बस एंटर करने वाले हैं। उधमपुर काफ़ी बड़ी सिटी बोलेंगे, टाउन बोलेंगे, क्या बताएं, सिटी ना, सिटी टाउन जो भी है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ पे बैरिकेड लगाया था इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर हमने एंटर किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि जम्मू और कश्मीर के बीच का 9.28 किलोमीटर लंबा टनल है। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, इसलिए इसे इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कहा जाता है। इससे जम्मू और कश्मीर के बीच 2 घंटे का रास्ता बच जाता है। इसे पटनी टॉप टनल या चेनानी नाशरी टनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाईपास करता है पटनी टॉप, कुड और बटोटे, जो कि विंटर्स में काफ़ी बार स्नो और लैंडस्लाइड की वजह से बंद रहता है या ट्रैफिक जाम लग जाता है। यह टनल सच में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 50 दिखा रहा है। जगह जगह पे ढाबे हैं और ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ढाबे का नाम है वैष्णो ढाबा, मतलब वैष्णो देवी के नाम से उन्होंने रखे शायद, बट हर दूसरा ढाबा है वैष्णो ढाबा। कुछ भी इनिशियल होता है एक नाम और फिर वैष्णो ढाबा, तो सारे वैष्णो ढाबे लगने चालू हो गए हम लोग को। अभी हमारा सब ब्रेकफास्ट लंच का सब वो चेंज हो जाएगा, जैसे इडली डोसा से फिर हम आए पराठों पर, और अभी पराठों से अभी ऊपर मैगी मोमो वो सब अभी चालू होगा, और राजमा चावल लंच में, कढ़ी चावल,
ये सब चालू होगा। ले पहुंचेंगे तो फिर थुक्पा भी ट्राई करना है इस बार, मतलब ले वाला, ले में थुक्पा खाएंगे। थुक्पा तो हमने ट्राई किया है, मोमोज वगैरह सब खाएंगे, इस बार सब कुछ खाएंगे हम लोग। ये देखो कुछ रैली चल रही है इनकी, इलेक्शन है या क्या है पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, इसीलिए हाँ इसीलिए सिक्योरिटी भी आज कुछ ज़्यादा ही हम लोगों, मतलब अभी हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोग को पता नहीं है, बट आज जनरली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऐसे लग रही थी, जगह जगह पे मतलब चेकिंग हो रही है और पुलिस मिलिट्री सब खड़े हैं। तो ये लग गया जाम पता नहीं किस वजह से, और ये जो थोड़े से होशियार लोग जो हम बोलते हैं हमेशा हर जगह वो राइट से जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पुलिस वाले अभी इनको पीछे जाने को बोल रहे हैं। पता नहीं रैली का ही कुछ सीन है या फिर कोई मिनिस्टर विनिस्टर जा रहा है पता नहीं, लेकिन जगह जगह पे ना बहुत सिक्योरिटी है। जैसे मैंने बोला ना, अभी ये भी यहाँ पे देखो ऊपर खड़ा है, ये टैंकर है क्या? ये क्या है ऐसे तो तेचत नो वोर आला है वो मिलिट्री व्हीकल है ना, क्या टायर वायर है यार उसके, जबरदस्त सही लग रही है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वाली देखी। ये हमारे सामने गाड़ी जा रही है, उसके पीछे देखो क्या लिखा है, बिल्ली म्याओ। क्या क्या लोग लिखते हैं, हम लोग को लिखना चाहिए कुत्ता भाव भाव। है ना, कुत्ता भाव भाव। भारी सिक्योरिटी है भाई आज, भारी भारी मतलब जबरी, ऐसे लग रहा है हम लोग ही भी वीआईपी की तरह जा रहे हैं, और इतना ऐसे कहीं पे जाम नहीं होने दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि फटाफट जाओ फिर फटाफट मतलब निकलो, हाँ एरिया से निकलो, और वो इलेक्शन की वजह से ही है शायद सब कुछ, बट सुपर सिक्योरिटी देखी हमने आज। हम लोग को कार वॉश करने की जगह मिली, तो हमने यहाँ पे अभी शिकायत को उतारा और यहाँ पे अपनी गाड़ी फाइनली धुली जा रही है और अच्छी हो रही है। बहुत गंदी हो गई थी और विजेंद्र को मतलब जी ऊपर नीचे हो रहा था कि कभी गाड़ी धुल जाए और अच्छे एकदम साफ हो जाए, तो ये हो जाएगा। और हम लोग अभी बस टोल रोड एंटर मतलब जस्ट एंट्री किए टोल रोड, और यहाँ से अभी जैसे भैया बता रहे थे कि यहाँ से 4 लेन वाला जो हाईवे है वो चालू होगा, तो जम्मू भी जम्मू से एक बीच तक वो रास्ता बना हुआ है जो कल हम लोग आए थे ना रात को, तो थोड़ा सा बना हुआ था, उसके आगे यहाँ से श्रीनगर तक वो रास्ता बना हुआ है, लेकिन बीच का जो पैच है वो अभी बना नहीं हुआ है, तो वो बन रहा है। तो ये जो है इसको जैसे भैया बता रहे थे इसको बनिहाल बोलते हैं, विच इज़ लाइक अ गेट वे टू कश्मीर। तो कश्मीर जाने के लिए 3 रास्ते, एक तो जवाहर टनल है, एक ये वाला जो 4 लेन अभी जो बन रहा है मतलब
आधा बना हुआ है, तो हम अभी उसी रास्ते से जाएंगे आगे। आई थिंक उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर के बाद हम लोग वो टनल में एंटर करेंगे, जो 8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, और जैसे ही टनल ख़त्म होगा हम लोग कश्मीर वैली एंटर कर जाएंगे। तो वो है और रेलवे से जो जाता है, तो 3 है अभी हम लोग ये इससे जाने वाले हैं। तो बनिहाल के जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे अभी कार वॉश करवा रहे हैं। रास्ते पे लग गए हैं, ये जो बहुत सुंदर सा हाईवे है, क्या मस्त लग रहा है यार ड्राइव करने में। पूरा पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये टनल के अंदर घुसे हम लोग, बनिहाल टनल। तो ये अभी 8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, ऐसा वो भैया ने हमें बताया था। वो मसूद जी हमें ये भी बता रहे थे कि जैसे जब ये फोर लेन हाईवे जब ही नहीं था और ये टनल नहीं था, तभी श्रीनगर जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, बिकॉज़ जवाहर टनल से होते हुए, मतलब जो ओल्ड रूट है उससे होते हुए जाम भी बहुत लगता था वहाँ पे, 2.5-3 घंटे का जाम लगता था और दूर दूर से जाना पड़ता था, तो तभी बहुत टाइम लगता था। अभी ये जो 8 किलोमीटर लॉन्ग टनल बना है, उससे फटाक से आप पहुँच जाते हो। बनिहाल भी बहुत सुंदर था, पूरा सराउंडेड बाय माउंटेन्स और ह्यूज माउंटेन्स, लश ग्रीन माउंटेन्स। अभी तो बिकॉज मानसून का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन दिख रहा था, बहुत सुंदर था, लोग भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे जो हमें मिले। क्या बनाया है यार, सुपर सुपर। आज ट्रक नहीं छोड़ेंगे बिकॉज कुछ काम चल रहा है, इसलिए ट्रक्स को वहाँ पे रोक के रखा है, नहीं तो अदरवाइज ट्रक्स भी आते इस रास्ते से भी आते। आज संडे भी है इसलिए उन्होंने बताया कि मार्केट भी शायद बंद रहता है, काफ़ी सारे शॉप्स बंद रहेंगे, और बिकॉज इलेक्शन का टाइम है, रैली वैली चल रही है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारा कुछ इफेक्ट हुआ है। आज संडे है, हम लोग को उनसे ही पता चला, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो डेट्स का ध्यान नहीं रहता इतना ज़्यादा, बट उन्होंने बोला तो हमें ध्यान में आया कि हाँ आज संडे है। आत्ताच पाणी दिलं, नको राहू दे, नको आईस्क्रीम जास्ती। तो हो गया। आज देखो दिन की शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन बाद में हो गया सेट, सब सेट हो गया, मतलब गाड़ी भी धुल गई और सिम कार्ड भी मिल गया। तो ये बीच में एक गांव आया, वहां से हमने सिम कार्ड ले लिया, एयरटेल का सिम लिया है विजेंद्र ने, क्योंकि हम लोग का वो पोस्टपेड अभी नहीं हो रहा था, तो इसीलिए क्या डिटेल्स है सिम कार्ड लेने के? सिम मिल रहा है एयरटेल का, तो एयरटेल की कनेक्टिविटी अच्छी ऐसे हमने देखा था, तो एयरटेल कनेक्टिविटी जियो से भी ज़्यादा अच्छी ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं। तो सिम एक है 5G सिम है, और 400 का सिम है, 1.5 GB पर डे, वैलिड टिल 28 डेज, और ये उसने बोला है कि ये हर जगह चलेगा, मतलब ले में भी सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है, यही सिम चल जाएगा। वैसे भी हमको लेने तो पहले लगा कि ले के लिए अलग लेना पड़ेगा क्या,
पर वैसी ज़रूरत नहीं है। और उसने सब चालू करके बताया, लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो अभी तो 4G आ रहा है शायद इस एरिया में, वहाँ पे 5G आ रहा था। इसी में टॉपअप अगर डेटा करना है आप टॉपअप कर सकते हो, जो भी अकॉर्डिंग टू योर यूज। चल गया नेट तो हो गया, अभी अपना काम सेट। बैट के फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज और शॉप। तो यहाँ पे वो फेमस, आपको पता है अगर आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है कश्मीरी विलो करके बैट बनता है यहाँ पे। उस विलो से, उस पर्टिकुलर वुड से कश्मीरी विलो बोलते हैं। एक इंग्लिश विलो होता है कि हमारा ये कश्मीरी विलो होता है। तो ये बैट बहुत ही फेमस है, पूरे इंडिया में जाती है यहाँ से। जो आपको अभी लकड़े ऐसे दिखेंगे ऊपर रखे हैं, सुखाने के लिए रखते हैं वो, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है उसका। पहले सुखाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर वापस काम करते तक प्रोसेस होता है। आप देखिए ज़रा, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे, अभी टूवर्ड्स हम कश्मीर जा रहे हैं और सबके बाहर ना कोहली और धोनी के फोटो लगे हैं। मैं एक्चुअली पीछे लेना भूल गई, अभी आगे आएगा तो दिखाती हूँ आपको। तो ये श्रीनगर हाईवे पे जाते जाते हम लोग को भूख भी लगी थी, ऑलमोस्ट अभी 2 बज गए। हमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना, सिर्फ मटरी और कॉफ़ी पी थी। तो हम लोग ने अभी लंच मंगाया है, मटर पनीर मंगाया और रोटी और नान। तो खाते और फिर निकलते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट आई थिंक 4 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाने चाहिए, अभी 2:15 हो गए। हमारा खाना वाना ख़त्म करके हाफ एन आवर में हाँ निकल जाएंगे। अच्छी जगह है ये, बहुत नीट क्लीन है, देखो गार्डन एरिया है। चीका ऐश को भी हम लोग यहाँ लेके आए, मस्त बड़ी सी जगह है। क्रॉस रोड कैफ़े एंड ग्रिल करके कुछ है, तो ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी है और अंदर भी सिटिंग एरिया है। बट यहाँ पे प्लेजेंट है अभी, मतलब अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग बाहर बैठे और चिट्टू पिट्टू को भी बाहर निकाल पाए इसीलिए यहाँ पे बैठे। चलिए अभी खाना खाते हैं, भूख लगी है, फटाफट खाते हैं। 37 मिनट्स यहाँ से हाउस बोट, ठीक है हाउस बोट बोल दिया तुमने, मैं सरप्राइज रख रही थी। कट कर दो कट। चलिए आपको दिखाते हैं आज हम कहाँ ठहरने वाले हैं, बस थोड़ी देर वेट कीजिए।